फोटो भेज रहे हैं, तो मेरा मतलब फ्रेंड है लड़की है, उसका फोटो मॉर्क करके मतलब मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं। नहीं तो स्टोरी आप लगा दीजिए कि मेरे फोन को किसी हैकर ने हैक कर लिया, आप पर कोई गलत मैसेज आता तो उसका रिस्पांस मैं नहीं हूँ। हाँ स्टोरी लगा दीजिए उस, हाँ ट्विटर पर जरूर आप लोग शेयर कीजिए, समझ गए स्क्रीनशॉट हम क्यों किया रहा है ना। आरबीआई को टैग कीजिए, साइबर को भी, हो सके तो हमको भी टैग कर दीजिएगा, यही यूजर जो चैनल का नाम है टेक्निकल जी पर यही लगा दीजिएगा, समझ गए, रिट्वीट इधर से कर देंगे। बाकी एक सप्ताह कॉल मैसेज इग्नोर कीजिए, अभी कितना दिन हुआ है ना, बात विचार कुछ नहीं करना है, बात विचार कीजिएगा तो ऊपर से और डिप्रेशन में आ जाइएगा। कितना दिन अभी हुआ है सर? सर अभी तो सात दिन को था ना, तो 28-29 को किए थे, तो आज 4 और 5 को, मतलब आज बोल रहा पे करो, जल्दी करो, 11 बजे तक टाइम और मैंने रहे नहीं किया आज, अब कल से सर और कम की बुरा पोस्ट आज तक नजर आ नहीं, देख सकता तक इग्नोर कीजिए कॉल मैसेज, एकदम उठाइए नहीं, समझ गए, समझिए कि सिम को बंद कर दीजिए, एक सप्ताह के लिए सिम अपना बंद कर दीजिए, काम खत्म, उसके बाद कॉल मैसेज आना सारा कुछ बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो हम रील पर हम डाले ही है, रील हम पोस्ट किए हैं, फर्जी एप्लीकेशन से कैसे बचे, कॉल मैसेज कर रहा है तो इसका देखिए, इसका सोल्यूशन यही है कि जितना हो सके उतना आप इग्नोर कीजिए। मान लीजिए कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक किया है तो आप स्टोरी लगा दीजिए, मेरे फोन को हैक कर लिया है, गलत मैसेज आएगा तो इग्नोर आप लोग कीजिएगा। जी सर वही है, तो बहुत बड़ा मतलब अपने अंदर में डर लग रहा है ना, तो एक लड़की की फ्रेंड थी, मतलब मेरे फोन से फोन कितना उसका व्हाट्सएप पे जो ये फोटो प्रोफाइल फोटो है उसको ना मॉर्क कर दिया, तो ऐसा बता देना है लड़की को, डर लग रहा है। नहीं तो स्टोरी आप लगा दीजिएगा ना, क्या किया हम नहीं किए हैं, हैक हो गया मोबाइल, अब क्या हम कर सकते हैं, बात इतना है, अपना स्टोरी लगा दीजिएगा। बाकी बाकी डाउट है तो वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा, हमारा काम करता है ऐसे, तो हम इंस्टाग्राम पर हम रील डाले हैं ना। हाँ इंस्टाग्राम तभी मैं देख पाता, तो हाँ विश्वास हो गया, तो कमेंट देखिए इंस्टाग्राम पर, देखिए कमेंट सेक्शन में मतलब सवाल आप पूछना स्टार्ट कीजिए, समझ गए, ठीक है सर। क्या होगा कि उसका रिमिक्स बना देंगे कैप्शन, मान लीजिए आप कुछ भी पूछिएगा तो उसका कैप्शन डाल कर रिमिक्स बना देंगे, तो काफी लोग देखेंगे तो और भी हेल्प हो जाएगा। नहीं कोई टेंशन नहीं है, इग्नोर कीजिए, धन्यवाद सर, मतलब आपका पेनिंग सेंड कर दीजिए सर। क्या बोल रहे हैं? हेल्प करने के लिए बहुत बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहेंगे, ना ना ये सब हम नहीं करते हैं, हम ये सब पैसा वैसा हम ये सब नहीं लेते हैं भाई, बस सपोर्ट बनाई रखिएगा, समझ गए, बस सपोर्ट बनाए रखिएगा चैनल पर, ठीक है सर, बस ये टेक्निकल दीपक जो यूट्यूब चैनल है इनको मैं सब्सक्राइब कर दिया हूँ, आपका अनुराग सिंह करके, बस आप सपोर्ट बनाए रखिएगा हमको, बस यही काफी है, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, बस पैसा सब कुछ काम नहीं है हमको। सर व्हाट्सएप पे वही ना एक अकाउंट से फोन मतलब ये मैसेज नहीं कर रहा है, बहुत सारे जो है मतलब 7-8 वो मतलब अकाउंट से ना मैसेज कर रहे हैं। नहीं तो वो स्पैम करता है ना, स्पैम करता है तो उसमें वैसे ही करता है सब, स्पैम करता है सब। अच्छा सर वो सबका नंबर पकड़ में भी नहीं आता है ना, ऐसे तो भारत सरकार मतलब कि नियम लगाई है कि मान लीजिए फर्जी सिम लेते हैं तो जेल हो जाएगा, तो वो सब उसका भी तोड़ लेकर बैठा होगा सब। इस साल नियम लगा है ना, ये सब संशोधन हुआ है ना। सर वैसे हमको मतलब नहीं पता है, लेकिन तो फंस गया हूँ, क्या करूँ सर, नहीं ये फंसने क्या टेंशन है, इसमें काफी लोग फंसे, वीडियो हमारा देखिएगा ना तो 100 से ज्यादा ऊपर वीडियो है दोनों चैनल पर, एक जीपर न्यूज है एक टेक्निकल जीपर है, वहां पर भी देखिएगा तो 100 से ऊपर वीडियो है, यहाँ पर भी देखिएगा तो फ्रॉड एप्लीकेशन पर बहुत सारा वीडियो है, 28 मिनट का 30 मिनट का मतलब कितना इतना लंबा लंबा वीडियो है, तो उसी टाइम में लोग कितना फंसे कितना बाहर निकले, सब तो बाहर निकल गए, क्या टेंशन है। अच्छा सर मैं ये सोच रहा था कि सिम ब्लॉक कर दूं, ना सिम कट क्यों ब्लॉक कीजिएगा, ना सिम कार्ड कुछ ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है,
बस एक सप्ताह के लिए सिम बंद कर दीजिए, चाहे कॉल मैसेज इग्नोर कीजिए, सब चीज ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। सर क्यूआर कोड भेज दीजिए कम से कम कुछ, ना ना ये सब नहीं करना है, समझ गए, ये सब नहीं करना है, बस सपोर्ट आप बनाई रखिए हमको काम करता, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है भाई, ठीक ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर कॉल लगाते हैं, टेंशन होता है भाई, चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। पैसा वैसा लेने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, बस हमको सपोर्ट कीजिए, काम खत्म है यहाँ पर, चैनल हो चाहे कुछ भी हो, बस पब्लिक आप लोग बने रहिए कि मतलब कि हाँ। पैसा तो यहाँ पर भाई आता जाता रहेगा, यहाँ पर नहीं लग रहा है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। मुझे लोन ऐप से पैसा पे करने के लिए टाइम मिल सकता है ये, फिर नेक्स्ट वन के फिर से नेक्स्ट टाइम पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा। चलिए कॉल लगाते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखे कीजिएगा, मैसेज मैसेज खेलेंगे तो भाई टाइम नहीं ना मिलेगा, एक दिन में 100-200 मैसेज आता है, पहले से भी लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ मैसेज करते रहते हैं, तो कितना लोगों का मैसेज हम देंगे आप बताइए, कितना लोगों को मैसेज हम मतलब इधर से करेंगे भाई, कोई एक ही मैसेज करेंगे, अब पूरा लगे रहिएगा तो काम नहीं चलेगा, बात विचार हो जाता है तो हाँ भाई हाँ हो गया, अब मैसेज मैसेज खेलना हमको आता नहीं, आदत उतना नहीं है, डायरेक्ट कॉल पर। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? भैया बोलिए बोलिए। भैया उनका मैसेज आ रहा है, क्या करूँ मैं? नहीं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझ गया, उनका काम है ऐसे सफर भेजते हैं, समझ गया ना? हाँ इग्नोर कीजिए, कोई टेंशन नहीं। टेंशन क्यों आ रहा है कि एड्रेस पर मेरा घर का ना एड्रेस है ना, और मैं घर पे नहीं हूँ, सिर्फ मेरी माँ घर पर रहती है, उसको कुछ बोले तो वो मालूम है ना आपको कैसे रहते हो, पिछली बार वो मुझसे बहुत ऐसे रूट रूट बात की थी उसने। अच्छा पहले भी आ चुके हैं क्या? वीडियो 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 बनाए कि नहीं बनाए? नहीं नहीं आए नहीं थे, सिर्फ फोन पे बात की थी मुझसे ऐसे। अच्छा हाँ, इलीगल हो जाएगा, जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना? हाँ नहीं ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है, समझ गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, उनका काम है ये सब करना। हाँ तो टेंशन आ रहा था भाई, और कुछ नहीं ना, टेंशन है, देखिए जितना टेंशन लीजिएगा उतना ही टेंशन होगा, समझ गए? देखिए डिपेंड करता है कस्टमर पर, अब देखिए उसी टाइम में आपको डराया धमकाया था, उसी टाइम में उसको पता चल गया कि मतलब कि आप डर रहे हैं, समझ गए? इस हिसाब से मतलब कैसे बात विचार करता है सब। मैं अभी फोन में उसको के 2 महीने हो गया, फिर मैंने उनको कॉल ही रिसीव करा था, जब मेरा पेमेंट होगा मैं पेमेंट करता था, अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी पेमेंट के लिए, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वॉइस परेशान कर रहे हैं। ना ना कोई टेंशन लेने वाली बात है, देखिए जितना क्या बोल रहे हैं तो स्लाइस है ना, हाँ तो स्लाइस का भी मुझे आज से मैसेज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखिए एक देखिए सबसे पहले क्या दिक्कत होती है कि एक तो मतलब कि एरिया देखा जाता है, समझ गए? मान लीजिए आप ही रिकवरी एजेंट है, आपको 100 केस दे दिया गया, तो सबसे पहले फोन उसी के पास लगाएंगे जिसका लोन ज्यादा है, उसके पास फोन लगाए, उसके बाद ये देखेंगे कि भाई कस्टमर डर रहा है कि नहीं डर रहा है, हमसे क्या कर रहा है, उसके घर पर जाना देखेंगे, उसका लोकेशन भी देखेंगे क्या पास है दूर है, उसे घर पर जाए तो कुछ मिले या ना मिले, उल्टा मतलब कि खर्चा हमारा ही हो जाएगा, तो सारा कुछ देखना पड़ता है, ऐसे रिकवरी एजेंट नहीं आता है सबके घर पर। हाँ तो डरिएगा तो आ जाएगा, डरना आपको एकदम नहीं है, कहने का मतलब ये है कि डरिए मत, कॉल करता है आपको डरना ही नहीं है। थैंक यू भैया। ठीक है भाई, ठीक। कुछ देर बाद कॉल करते हैं आपको, ओके।
यस सर, थैंक यू सर। मैंने लोन अप्लाई नहीं किया फिर भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब चलिए कॉल लगाते हैं। अब लोन अप्लाई नहीं किए दे दिया तो भाई पैसा रखे रहिए, क्या टेंशन है? कोई टेंशन लेने वाली एकदम बात नहीं है। जितना आप टेंशन लीजिएगा उतना ही मतलब कि आपको टेंशन होगा। टेंशन एकदम लेना ही नहीं है आपको। रिंगिंग जा रही है, देखते हैं कॉल लग रहा है नहीं लग रहा है। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर आ रही है। बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली ना कल मतलब मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था, तो पहले तो उनका मैसेज आ गया था भी आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। फिर शाम को ना उन्होंने दो तीन, जैसे दो तीन लोन आए थे, 7 डेज का टाइम था, उन्होंने दो तीन बार मतलब लोन वो कर दिया, अकाउंट पर डाल दिया। हाँ जी। कितना पैसा आया होगा अकाउंट में? सर यही 5,000 समथिंग है, ज्यादा नहीं है। तो वही फर्जी एप्लीकेशन है ना? हाँ जी। हाँ तो आराम से पैसा रखे रहिए, देने होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इग्नोर कीजिए कॉल में से। नहीं अगर नहीं, नहीं अभी तो कॉल वगैरह उन्होंने करा नहीं है। हाँ जी। नहीं तो कॉल मैसेज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। हाँ तो कॉल मैसेज को इग्नोर करना एक सप्ताह तक, ठीक है सर। हाँ पैसा वैसा देने की कुछ भी जरूरत नहीं है, पैसा वैसा नहीं देना है। ना ना ये सब कुछ भी नहीं होगा, बस देखिए कॉल करेगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट एप्लीकेशन अनइंस्टॉल है मैंने मोबाइल से। हाँ मैंने वो सब अनइंस्टॉल कर दिया, मैंने आपकी वो हाँ, हाँ, चेक करी थी ना। तब ठीक है, तब ठीक है। तो बस मान लीजिए कॉन्टेक्ट लिस्ट पहले है किया होगा उसी टाइम, तो आप स्टोरी लगा दीजिएगा मेरा फोन को हैक कर लिया है, ठीक है सर। बस कॉल मैसेज केवल इग्नोर करना है, एकदम इग्नोर, उठाना नहीं है, नहीं सीन करना है, कुछ भी करना ही नहीं है, ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, इनको बता दी। अब यहाँ पर अब देखते हैं, अब बहुत सारा मैसेज आता है भाई, अब क्या करे, कितना आप देखे आप भी बताइए। अब सब चीज देखना है, अब जाकर देखिएगा दो तीन चैनल अभी है, अभी वहां पर पेंडिंग चल रहा है, सोच रहे भाई कुछ हम डालें, अब यहाँ से जाएंगे तभी मतलब कि ब्लॉग बनेगा, समझ गए? वहां पर जाएंगे ब्लॉग बनेगा तो भाई पूरा टाइम देना पड़ता है ना, पूरा हर एक कॉल मतलब रिकॉर्ड करना पड़ता है सब चीज। मान लीजिए सुसुटर यहाँ पर भी कीजिएगा, एक और चैनल है जी पर क्लासेस चैनल है, उसको भी सोच रहे हैं कि मतलब कि कुछ उस पर भी डाले वीडियो, तो इसीलिए मतलब कि उतना बात विचार नहीं हो पाती है। भैया किस्ती ऐप और एम पॉकेट और रिंग ऐप और क्रेडिट भी मैं बहुत सारा में लोन लिया है, अगर नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत होगा मतलब पैसा? यदि आप पैसा नहीं दीजिएगा तो सिविल स्कोर खराब होगा, बाकी कुछ लीगली एक्शन होगा नहीं। ऐसे तो हम अपने इंस्टाग्राम पर रील डालना स्टार्ट कर दिए हैं, पैसा नहीं दीजिएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछेंगे तो काफ़ी लोग आपका कमेंट देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा और उस पर रिमिक्स हम रील बना देने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए ओके फॉलो मी, ओके ये क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कॉल लगाते हैं। सेवन पॉकेट्स का और ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लिया है, हम्म,
फ्रॉड एप्लीकेशन का तो आपको रिपेमेंट करना ही नहीं है भाई। इस पर बहुत सारा वीडियो बना है ना, कोई भी वीडियो देखिएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगा। अब एनबीएफसी के बारे में है तो थोड़ा सा ये रहता है। अब फ्रॉड एप्लीकेशन क्या है वो तो पहले ही बोल कर रखे हैं भाई, कुछ होगा नहीं। ऐसे भी रील हम डाल रहे हैं तो हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो नमस्कार नमस्कार बोलिए। ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, समझ गए? नहीं वही मैं देख रहा था कि कहीं एनबीएफसी तो नहीं है। यदि पैसा आ गया है तो रख लीजिएगा, नहीं आया तो क्या ही कर सकते हैं। पैसा देने वाले की जरूरत नहीं है। कॉल मैसेज आए तो हाँ कॉल मैसेज आए तो इग्नोर कर दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं होगा इसका। ठीक है सर चलिए यहाँ पर अब कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रॉड पर तो काफी वीडियो है भाई, इंस्टाग्राम पर भी चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिए, रील का कमेंट सेक्शन में, तो आपको पूरा जानकारी मिलेगी। उठाइए भाई कॉल उठाइए। कोई भी वीडियो देखिए तो पूरा कंप्लीट हमारा वीडियो देखा कीजिए, समझ गए? हेलो हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो हाँ हाँ बोलिए। अनुप भाई, अनुप भाई बोलो ना। हाँ 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 बोलिए। अभी आपने मैंने थोड़े थोड़े दिन पहले एलएनटी फाइनेंस के बारे में बात की। हम्म। वो अभी इसका अभी रिजल्ट मिला है मुझे। उसका फोन आया एक ओरिजिन का, वो बोल रहे कि आधे में कर दो सेटल। वो परेशान, उसने मुझे कुछ नहीं किया। हम्म। उसका 5 लाख में डील बोल रहा है, अभी करना चाहिए शायद एफपीए नहीं हो अभी। हम्म। तो कर रहे, करने के बोलिए कर रहा है, पोस्ट तो नहीं कर रहा। अच्छा तो पूरी तरीके से कागज वगैरह सब लेकर आएगा तब होगा ना सेटलमेंट, पूछ लीजिएगा पूरा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के साथ। अभी तो एनपीए शायद नहीं हुआ है तो आपको शायद पता होगा। सेटलमेंट हो जाता है एनपीए? सेटलमेंट तो ऐसे मतलब कि चाहे कंपनी में बात करके चाहे तो हो सकता है, तो डॉक्यूमेंट के साथ कीजिएगा। हो सके कि मान लीजिए कि पैसा वैसा ले ले उसके बाद मतलब ये फर्जी वर्जी कर दे। नावी वालों ने तो बहुत सालों ने बहुत परेशान कर दिया। नहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए डॉक्यूमेंट के साथ मतलब कि करता है सेटलमेंट तो कर लीजिए। ऐसे ऐसे देखिए लिंक उंक पर ऐसे पैसा मत दीजिएगा, समझ गया ना? ऐसे तो नहीं दूंगा, मैंने सब कुछ आपको वीडियो देखा है, फ्रॉड करते हैं साले। जैसे आपने वीडियो भेजा अपने ये धमकी देके जो डरता है ना उसे बहुत डराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो डर गया वो उसको बहुत परेशान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैसे बोलता है उसका दुगना मैंने बोला उसको। वो डर डर ही जाता है, मेरा फोन काट देते वो। आते नहीं घर पे पर धमकी देते ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, करते कुछ नहीं। उसको मैं ऐसे बोलता हूँ ना जैसे उसके सामने वाली फट जाती है, ऐसे बोलता हूँ मैं। नहीं कोई टेंशन नहीं है, डॉक्यूमेंट के साथ रिकवर मतलब हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है तो कर लीजिए। यदि आपको लग रहा है फ्रॉड है तो सेटलमेंट मत कराइए। जरूर भेजिए, फोटो भेजिए, हम थोड़ा देख लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए दोस्तों बात विचार यहाँ पर हो गया, आप मुझे इस नंबर पर कॉल करें। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं भाई। भाई नंबर नंबर पर कैसे कॉल कर सकते हैं? नंबर नंबर पर भाई कैसे कॉल कर सकते हैं? यदि कॉल करना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पर मतलब कि कॉल आप कर सकते हैं।
इंस्टाग्राम पर कॉल कीजिएगा तो बात विचार यहाँ पर हो जाएगी। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा कितना अकाउंट में पैसा मतलब कि दिया था? अकाउंट में मतलब कि कितना पैसा आया था? फ्रॉड एप्लीकेशन है ना? हाँ तो नहीं तो इसका पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है। कॉल देखिए, कॉल मैसेज करता है तो जितना हो सके कॉल मैसेज इग्नोर कीजिए इसका। स्टोरी आप लगा दीजिएगा कि फोन हैक हो गया, ठीक है ना? स्टोरी आप लगा दीजिएगा मेरे फोन को किसी हैकर ने हैक कर लिया। यदि आप पर कोई गलत मैसेज आता तो उसका रिस्पांस मैं नहीं हूँ। हाँ स्टोरी इसका लगा दीजिएगा, बाकी तो कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। घर पर विजिट नहीं करता है सर? नहीं नहीं घर पर विजिट नहीं करता है सर। हाँ बिल्कुल नहीं नहीं घर पर विजिट ये सब नहीं करता है सर। अच्छा नहीं इसका कोई चक्कर नहीं, समझ गया। ऐसा तो हम रील वीडियो डालना स्टार्ट करते अपने इंस्टाग्राम पर। हाँ तो बस इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप जितना हो सके इसको आप इग्नोर कीजिए एक सप्ताह, बाकी कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। अब पैसा इसका रिपेमेंट नहीं किया जाता, पैसा रिपेमेंट करने के बाद और ज्यादा मतलब कि हरेसमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं लोग। तो इग्नोर कीजिएगा इसको, ठीक है ना? ठीक है चलिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया बात विचार। यहाँ पर भैया वेट में यहाँ पर थोड़ा आप चलिए यहाँ पर। हेलो भाई, पेटीएम वाले रोज कॉल कर रहे हैं, चलिए कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए भाई, कोई भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए कीजिए। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर सब चीज़ आप लोग कर दीजिए, तभी आप सबको लगेगा कि भाई आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई आ रही है। बोलिए बोलिए। मैंने आपको मैसेज करा था भाई, वो रिकवरी एजेंट पता रोज कह रहा कि मैं आऊंगा कल बीस से कहा मैं आऊंगा। हाँ तो बोलिए गाइए, कल आइए आपका हम स्वागत करते हैं। हाँ तो वो उसे आज भी कहा कि मैं आऊंगा, मैंने कहा भाई मैं लोगों में तुम्हें पेमेंट करता हूँ फिर टीम और स्पीड की। तो कहना नहीं अभी कहना नहीं तो मैं आ रहा हूँ, आप ही नहीं रहा और मैं पेमेंट नहीं कर रहा। मैंने कहा चलो मिल लो, मैंने कहा अगर उन पर टाइम नहीं तो मिल लो मैं, क्योंकि मैं ना क्योंकि एड्रेस दिया हुआ वो वहाँ पे घूमी है, मैं वो पुणे का और एड्रेस है उत्तराखंड का वो। मैंने कहा भाई तू पुणे आ जा। कुछ करेगा नहीं, कुछ ये कुछ करेगा नहीं, बस ऐसे ही धमकी दे रहा है, समझ गए? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इनका यही काम है। और क्या ना ना कुछ करना फालतू में, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? नहीं वो तो फ्रॉड एप्लीकेशन है ना, वो तो फ्रॉड एप्लीकेशन है। नहीं अपना कॉल मैसेज करते रहे अपना, हमको तो पैसा देना ही नहीं है, मेन फंडा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया, ठीक है भाई, ठीक।
चलिए दोस्तों, बात विचार यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर कॉल लगाते हैं। बहुत लोग का कॉल मैसेज आया कॉल में, चलिए कॉल यहाँ पर लगाया जाए। पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सबको सारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। जितना भी 3 महीना हो गए हैं, टोटल 4 मंथ हो गए हैं। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? नमस्ते नमस्ते, बढ़िया है बढ़िया है। अरे भैया, मेरे से लोन चल रहा था क्रेडिट वी पे और ट्रू बैलेंस पे, तो मैं एक्सीडेंट हो गया था सिर में, चोट काफी लग गई थी, 16-17 दिन हॉस्पिटल भर्ती था। उसके बाद मेरी दवा चलने लगी, पैसे लग गए, तो मैंने जमा नहीं कर पाया। वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं, उसके बाद वो लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम केस कर देंगे 420 का, 403। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होता, सब फेक है, इग्नोर कीजिए आप, ठीक है ना? हाँ यार, अगर नया के पास फोटो भेज दे एक्सीडेंट का, उनके पास भेजे भी, वो मुझे टॉर्चर करे तुम्हारे पापा के पास, उसके बाद तुम्हारे कॉन्टेक्ट फोन करने जा रहे, काम कर दीजिए, जब हमारे पास होगा तुम जमा कर पाएंगे, नहीं जमा कर पाएंगे। बिल्कुल 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 नहीं, जितना हो सके उतना आप इग्नोर कीजिए, कुछ होगा नहीं, समझ गया ना? नहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, जितना हो सके उतना आप इग्नोर कीजिए, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। कॉल ना उठाए तो जैसे? हाँ ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, कॉल नहीं उठाएगा तो जैसे तुम कॉन्टैक्ट लिस्ट फोन करेंगे? ना 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 ना, ये सब नहीं होगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट फोन नहीं होगा। जब तक एप्लीकेशन मोबाइल में रखे रहेगा तब तक उसके पास परमिशन रहेगा, नहीं रखिएगा परमिशन नहीं रखेगा, नहीं रहेगा। एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल मार दीजिए, काम खत्म। अनइंस्टॉल मार दीजिए तब कहाँ से करेगा, रखे रहते हैं, परमिशन दिए रहते हैं तो करता, नहीं दिया नहीं करेगा। शुरू में दिए थे परमिशन? नहीं तो उस टाइम था, अब नहीं होगा उसके पास, नहीं गया। ना ना अब नहीं गया होगा। अभी मतलब कि रखी रहिएगा, उसके बाद परमिशन दीजिएगा तो चला जाएगा उसके पास। जैसे हम कहते हैं इंस्टॉल करते फिर चला जाएगा। हाँ। जैसे फिर से डिलीट कर तो चल नहीं रहता उन लोगों पास? ना चलिए, केस हो जैसे केस हो कह रहे हैं करने, ये सब नहीं होता है, फेक है, इग्नोर कीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है ठीक है, चलिए दोस्तों बात बेचारे पर हो गया, इनको बता दिया, अब यहाँ पर कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए यहाँ पर। हाँ ट्रू बैलेंस से साबित करने में क्या होगा सर? ट्रू बैलेंस नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो सिविल स्कोर आपका खराब होगा, एनबीएफसी एप्लीकेशन है, नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो सिविल स्कोर आपका एकदम खराब हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा, बाकी और कोई टेंशन यहाँ पर होती नहीं है। कॉल में से आता है तो इग्नोर कीजिए, जितना हो सके उतना इग्नोर कीजिएगा, उतना ही बेटर रहेगा। चलिए